देखिए दोस्तों, बहुत दर्दनाक तरीके, बहुत दर्दनाक और बहुत गंदे तरीके से बाइट किया है इस भाई को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित कश्यप सरमित्र में। और आज का सुबह सुबह 6 बजे रेस्क्यू कॉल था, बट हम लोग के पहुंचने से पहले ही घर के लोगों ने सांपों को मार दिया और उस सांप बिग साइज कोबरा ने एक उनके घर की महिला को बाइट भी कर लिया। फिलहाल हम इस वीडियो को हॉस्पिटल से शूट कर रहे हैं, पीछे देख सकते हैं एक बोर्ड लगा है सर्वजंस का हॉस्पिटल और डॉक्टर एस के सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं जिस महिला को स्नेक बाइट हुआ है उसकी हालत कैसी है, क्या स्थिति है, और डॉक्टर साहब से बहुत सारी जानकारी भी जानेंगे। तो डॉक्टर साहब थोड़ा ले चलिए हमें दिखाइए। यही मेंढक इन्हीं को बाइट हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल में ये माता जी जो लेटी हैं इनको स्नेक बाइट हुआ था। कब की घटना है ये? जब बारिश और एक लेडीज है और छोटी सी बच्ची ने कितना घर में परेशान, अपना गांव भी नहीं है, रोड पे रहती है, तो बताइए उस जगह अगर कोई होता तो घबराता। इतना वो बड़ा था तो पूरा घर में जाके ऐसे फुसकार फुसकार के सब निकाल रहा है। अच्छा, तो गेहूं सांप कट ले रहा है आपके भोजपुरी भाषा में। अच्छा अच्छा, तो सांप जब काटा है तो आपके घर के लोग पहला स्टेप क्या लिए हैं? अरे हमारे घर के लोग थे नहीं। अच्छा, जैसे कि भाड़े के रूम में रहती थी तो वहाँ कोई रहता नहीं था। एक हस्बैंड और एक वही एक छोटी सी बच्ची लेकर हमारी सिस्टर रहती थी, तो ये हमारी माता जी की हालत खराब हुई, गांव पे कोई था नहीं, फिर लेके चली आई। अब बारिश हुआ, नीचे सो रही थी, बस वो आके लपेट के हाथ में इसको काट। अच्छा, झटकारी थे बहुत बड़ा है, डंडे कितना बड़ा मोटा। अच्छा, बिग साइज का कोबरा। हाँ माता जी, गैलरी में चटाई बिछा के, बिस्तर बिछा के सोई थी, इधर से ऐसे पता नहीं कब आ, पूरा नींद में है, आके बस ऐसे लपेट एक पर उसका लपेटा है और ऐसे है, तो हमको ऐसा लगा कि वो हाथ उलझन लग रहा है और पूरे नींद में है, ऐसे 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 किए हैं, बस इतने भरे में हमको मालूम हो गया नींद खुल गई कि सांप है। एक बाएँ हाथ से उसको ऐसे पकड़ के फेंक रहे तो छूट नहीं रहा है लपेटा, ऐसे ऐसे पीछे कहे अरे सीमा, अरे सीमा हमको सांप पकड़ लिया है, तो बड़ी जोर चिल्लाए तो दो जगह काट भी लिया। काटने के बाद तुरंत आप लोग हॉस्पिटल आए? तुरंत पानी से धोया गया। अच्छा, अरे पौना घंटा तुरंत हॉस्पिटल आ गए। आप लोग सिटी एरिया से हैं कि गांव एरिया से? हम लोग ऐसे कस्बा में एकदम रोड। अच्छा, तो गांव के जो लोग होते हैं अक्सर करके सांप काटने के बाद झाड़ फूक में जाते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं भैया, हम क्या करें, हम तुरंत हॉस्पिटल आ गए, डॉक्टर जी से हमको संपर्क हुआ, सहयोग हुई, तो देरी करेंगे। लड़की कही अपने हस्बैंड से मीठी का पापा देखो तो कहाँ है, कहीं बुला दिख रहा है, तो ऐसे गत्ता सामान करके रखी है और दीवार के लगे और उसी में इजमा महा कर के सोचे उसी दीवार के लगे गत्ता के बीच में जाके बैठा था। तो दोस्तों इस वीडियो के माफिक देखिए, ये थोड़ा सा सिटी एरिया से हैं लोग, तो तुरंत सांप काटने के बाद हॉस्पिटल आ गए। तो इस वीडियो से आप लोग जो भी गांव एरिया से हैं, अक्सर करके जितनी घटना हम देखे हैं गांव के क्षेत्र के लोगों को ही सांप काटने के बाद मृत्यु होती है, जो पढ़े लिखे हैं लोग वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाते हैं। और अभी इनका देखिए सफल इलाज यहाँ पर चल रहा है और डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, तो अभी इनको वेनम कौन एंटी वेनम दे रहा है? अच्छा अच्छा, खतरे से बाहर। अभी ये इसमें ग्लूकोज के साथ चढ़ा रहे हैं? ओके ठीक, डायरेक्ट भी लगाए हैं? डायरेक्ट कितना लगा? चार। और अभी इसमें कितने डाले? दो, छः। तो अभी ठीक है ना ऑलमोस्ट? तो फिलहाल दोस्तों ये माता जी ऑलमोस्ट अभी ठीक हैं, खतरे से खाली हैं। कितने समय के बाद आई थिंक डिस्चार्ज हो जाएंगी? दो बजे तक छोड़ देंगे। तो इस वीडियो से माफिक और इस वीडियो से माफिक हम सभी देशवासी को डॉक्टर साहब से एक मैसेज देना चाहेंगे। सांप के काटने के बाद लोग अक्सर झाड़ फूक में जाते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो तुरंत रस्सी से बांधें, और थोड़ा बांधने का प्रक्रिया भी बताइए, तो पास में चल के दिखाइए। तो आपने बांधा है कि इन लोगों ने खुद बांध के आए थे? अगर यहाँ बाइट हुआ, एक रस्सी है यहाँ और एक रस्सी, जैसे बाइट हुए स्थान से इतना स्थान छोड़ करके, हाँ दो तीन उंगली छोड़ करके यहाँ रस्सी बांधे, उसको जल्दी खोलना, लोग डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाने के बाद बिल्कुल उसके उसके बाद
डेफिनेटली दोस्तों, डॉक्टर साहब ने छोटे शब्दों में बहुत ज़्यादा बात बोल बहुत बड़ी बात बोल दी कि सांप काटने के बाद कोई भी झाड़ फूँक के चक्कर में ना जाए। हम लोग आए दिन तो बताते रहते हैं डेली, और फिलहाल अभी आप देख सकते हैं हम जिस हॉस्पिटल में हैं वहाँ पे एक पेशेंट, दो पेशेंट और इधर एक छोटा सा थ्री पेशेंट, स्पेक्टिकल कोबरा इनको बाइट किया था, देखिए ओ माय गॉड काफी खतरनाक, तो बहुत गुस्से में काटा सीन, उसका बाइट का निशान दिखाइए, चीड़ फर किए क्या लोग, नहीं वो तो चीड़ थे, मैंने वो साथ ही काटा है, इसमें काटा सर, आराम से दिखाओ उसको थोड़ा, आप ये ब्लैक हो गया है, देखिए दोस्तों बहुत दर्दनाक तरीके से, बहुत दर्दनाक और बहुत गंदे तरीके से बाइट किया है इस भाई को। कब की घटना है तुम्हारी, कब काटा था, कैसे काट लिया था, कुछ बताओगे, मॉर्निंग में 5 बजे क्या कर रहे थे, कुछ कैसे काटा सांप, कुछ सामान ले रहे थे उसी में बैठा, दुकान के अंदर, दुकान के अंदर बैठा हुआ था, अरे वाह। तो फिर काटने के बाद क्या किए, बांधने के बाद क्या किए, मम्मी पापा को बताए, बाद में के बाद अस्पताल आए। तो गांव से, रूरल एरिया से हो कि सिटी एरिया से, गांव एरिया से, तो गांव के कुछ लोग, बुजुर्ग लोग, महिला लोग नहीं कहें कि झाड़ फूँक कराया जा, सती मैया के यहाँ चाहे बाबा के यहाँ थाई लगवाने जा, ऐसा कोई नहीं कहा, सच बोलो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो तुरंत हॉस्पिटल आ गए। इस वीडियो के माफिक और भी लोगों को सांप काटता है तो क्या मैसेज देना चाहोगे, लोगों को सांप काटता है तो क्या करे वो लोग, सावधानी बरते, और दूसरा सीधे हॉस्पिटल नहीं बोलो, हाँ देखिए इसकी पूरी हाथ फूल गई है, ओ माय गॉड सूजन हो गया, देखिए ना स्वेलिंग है और काफ़ी ज़्यादा, ये ब्लैक पड़ चुका है इसका, और ये तो पूरा सूजन है इसका पूरा हैंड, इस चीज़ को आप सिम्टम्स देख सकते हैं, कभी भी ऐसा जब भी कोबरा बाइट करता है तो वो स्वेलिंग हो जाती है पूरी आपकी, खुजली होती है, चक्कर भी आती है। काटने के बाद क्या क्या हुआ थोड़ा बताओ ना अपने बारे में, दर्द हो रहा था, हाँ बस दर्द, दर्द बस हो रहा था, चक्कर ऊपर नहीं आ रहा था, उल्टी हुआ बाद में, हुआ बाद में उल्टी हुआ जब असर स्टार्ट, हाँ मतलब 2-3 घंटे के बाद हुआ, सिर्फ यहाँ पे स्वेलिंग हुआ, दर्द हुआ, उल्टी हुआ, समय से आके बचा दिया। तो कभी भी दोस्तों आपको सर्पदंश होता है, मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ मोहित कश्यप सर को, मित्र पूरी टीम अपील करती है गोरखपुर से, कभी भी सर्पदंश होता है सीधा आप अपने जिला अस्पताल आए, जब भी आपको स्नेक बाइट हो दोस्तों तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा सकते हैं, दूसरा कई प्राइवेट संस्थाएं, कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, एक एक हाथ इनका भी है सर का, दोहरी घाट में सर ना, दोहरी घाट में इनका एक लोकेशन है, लोकेशन बताइए सर, हाँ तो दोहरी घाट में एक स्नेक हॉस्पिटल चलाते हैं सर, स्नेक बाइट हॉस्पिटल, तो आप यहाँ पे भी आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बहुत ही कम खर्चे में लाइजाज ट्रीटमेंट करते हैं सर, और अदरवाइज आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, समय मिलता है आपको अप्रॉक्सीमेटली 2-3 घंटा स्नेक बाइट के बाद, बट 40-45 मिनट हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोग अक्सर करके सांप के काटने के बाद भयभीत हो जाते हैं, बीपी बढ़ा लेते हैं अपना, ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत चिंतित हो जाते हैं जिसकी वजह से समय कम मिल जाता है, तो 40-45 मिनट के अंदर आप नज़दीकी हॉस्पिटल पर जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जय हिंद जय भारत।